तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्वेश्चन आएगा, डिस्क रिंग स्फेयर को रिलीज कर दिया गया फ्रॉम टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन विद हाइट एच, तो एच हाइट है, तो वहां से रोल करती हुई तीनों बॉडीज नीचे आ रही हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जब वो नीचे आएंगी। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे सपोज करो ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल थीट है, छोड़ो रोलिंग को, आप बताओ एक बॉक्स है या कोई बॉडी स्लाइड करती हुई नीचे आ रही है जिसका मास एम है, तो कितनी वेलोसिटी से वो नीचे आएगी, ये क्वेश्चन है। तो क्या करें, पहला काइनेमेटिक्स लगा दें, और यह एच हाइट गिवन है, काइनेमेटिक्स में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as से आंसर आएगा, फ्रिक्शन तो है नहीं, लेकिन उससे भी आसान तरीका वर्क पर एनर्जी में किया था, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, इस पॉइंट पर एंड इस पॉइंट पर विल रिमेन सेम। अब यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, एम जी एच, और काइनेटिक टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या है, जीरो। ये क्वेश्चन की बात नहीं हो रही जो क्वेश्चन गिवन है, मैं पुराना रिवाइज करवा रहा हूँ कि हम स्लाइडिंग में क्या करते थे, और जब ग्राउंड पे आ जाएगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो, और काइनेटिक क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और फिर हम क्या करते थे, टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच को इक्वेट करते हुए वी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 2gh, आंसर ऐसा करते थे। क्वेश्चन मिलता जुलता है, बस रोलिंग पे है, क्या फर्क पड़ता है। अब आपको रोलिंग की एनर्जी तो आती है, तो जब कोई बॉडी रोल करती हुई यहाँ से यहाँ आती है, तो अगेन सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, एम जी एच, काइनेटिक क्या है, जीरो, बॉडी रोल नहीं कर रही। जब जमीन पे आ जाएगी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो, और रोलिंग एनर्जी, स्लाइडिंग नहीं, रोल करती हुई बॉडी नीचे आ रही है, तो एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 + k² / r², जबकि ये वेलोसिटी किसकी होती है, सेंटर ऑफ मास की। एम से एम कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकल गया, वी निकल गया, और क्योंकि ये बॉडी एक डिस्क है, तो अगर डिस्क है तो ऐसे केस में हाफ पुट कर दो वेलोसिटी आ गई, और अगर बॉडी रिंग है तो k² / r² को 1 पुट कर दो वेलोसिटी आ गई, और अगर सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 पुट करो वेलोसिटी आ गई। अब मुझे नहीं पता आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जो पूछेगा उसका k² / r² पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई डाउट है इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन किया गया कि आपके पास एक डिस्क है, एक पुली है, एक डिस्क है, और ये डिस्क का मास एम डैश है और रेडियस आर है, ये घूम सकती है खड़ी खड़ी, तो एक्सिस कहाँ से पास करता है, इसके सेंटर से। एक मास लिया रस्सी का, मास स्मॉल एम मैंने पकड़ के रखा हुआ है, जब मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या है, जीरो, तो क्या ये डिस्क घूम रही है, नहीं घूम रही, पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ दिया, तो ये नीचे आना शुरू हो गया, किसी इंस्टेंट पर ये एच हाइट पर है और भी नीचे आएगा, अभी ये एच हाइट पर है तो कोई ना कोई वेलोसिटी होगी एच हाइट पर आके, इसकी एच डिस्टेंस कवर करने पे कोई वेलोसिटी होगी वी, तो आपको वी बताना है कि जब ये एच डिस्टेंस नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब इसकी कोई वेलोसिटी होगी उस टाइम ये डिस्क क्या कर रही होगी, खड़ी खड़ी रोटेट कर रही होगी कि रोल कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी, डिस्क आगे तो ना बढ़ेगी, खड़ी खड़ी घूम रही है तो क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी, राइट तो आपको बताना है वी की वैल्यू क्या होगी। जब इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो आपने कुछ नहीं करना, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना। अब यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन में मासेस कितने हैं जिसके ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लगेगा, कितने मास दिख रहे हैं, तीन, कैसे, पहला छोटा एम, दूसरा पुली का मास, तीसरा फिर से छोटा एम, तीसरा क्या, स्ट्रिंग मासलेस है। अब कितने हैं, दो, स्ट्रिंग मासलेस है, तो एक मास है और दूसरा मास है, राइट। तो अब यहां पर हमारे पास अब टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस, ये तो इस बॉडी की बात हो रही है, एक ये भी तो बॉडी है, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, खड़ी खड़ी घूम रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम जो भी होगा इस पॉइंट पर, और जब मास नीचे आ गया तब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास एम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास एम और डिस्क की रोटेशन एनर्जी का सम क्या रहेगा, सेम। तो ये वाली डिस्क की एनर्जी दोनों में एक्स्ट्रा आ रही है, नॉर्मली हमें आदत है बस इस पेपर काम करने की, बस इतना पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल पर, हम भूल गए कि वो भी तो है, तो वो उसकी एनर्जी इसमें इसमें दोनों में ऐड करनी पड़ेगी, राइट, क्लियर है, कैसे बताता हूं। काइनेटिक इसमें ग्राउंड लेना पड़ेगा,
ग्राउंड लोएस्ट पॉइंट को ग्राउंड मान लेते हैं, ग्राउंड है। तो अब ये बताओ, जब ये मास यहां पर है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बोलो, जीरो, ठीक है। इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एमजीएच, ये ग्राउंड है तो ये क्या हो गया, एमजीएच। डिस्क घूम नहीं रही तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, ठीक हो गया। नेक्स्ट, जब ये मास नीचे आ गया तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर इस इंस्टेंट पर क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसमें, जीरो, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी खड़ी खड़ी घूम रही है डिस्क तो हाफ आए ओमेगा स्क्वायर, तो ये एक्स्ट्रा है, राइट। तो मास नीचे गिरने से ये एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो समझ में आ रहा है एनर्जी कंजर्वेशन इस प्रॉब्लम में कैसे लगेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सम ऑफ एनर्जी एमजीएच ये वाला इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। प्रॉब्लम ये है, मैंने अज्यूम किया है कि डिस्क घूम रही है विद ओमेगा, मेरे को ओमेगा गिवन थोड़ी ना, तो ओमेगा एलिमिनेट करते हैं हमने, तो वी निकालना है। देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक काम किया जाएगा, हमने वी वेलोसिटी निकाली है, जब ये मास यहां पर होगा तो ये वी वेलोसिटी इसकी कौन सी वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल। ये वी वेलोसिटी डिस्क के लिए क्या कर रही है, टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा। डिस्क के लिए वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा क्या होगा, वी डिवाइडेड बाय आर। तो जहां आपको डिस्क दिख रही है वहां पर एम जी एच हाफ, डिस्क का आई क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, मास ऑफ डिस्क इसमें एम डैश है, और ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे, वी बाय आर का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया, ओमेगा की जगह वी बाय आर और डिस्क का आई तो हमें मालूम है, तो यही किया हुआ है नेक्स्ट स्टेप में। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी शुरू में जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी मास की जीरो, डिस्क के लिए इतनी और ये रही। तो इक्वेट करके यहाँ पर ओमेगा की जगह वी बाय आर, तो और आई की जगह हाफ एम डैश आर स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि मैंने लिखा भी हुआ है कि ये वी वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एप्लीकेबल है। तो इसके अंदर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सॉल्व करके क्या आ गया, वी स्क्वायर से वी कैन बी कैलकुलेटेड। आपको क्वेश्चन में वी निकालना था तो यहाँ से वी आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है, जब भी ये आपको फोटो नजर आए डायग्राम की डिस्क और मास तो क्या लगेगी, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है यहाँ तक। इस क्वेश्चन को देखो, वही सेम क्वेश्चन है, एक किसी भी स्फेयर को रोल करवा दिया, रोल करवा दिया यहाँ से और नीचे आ रहा है, आपको वेलोसिटी बतानी नीचे आने की, तो क्या लगेगी, एनर्जी कंजर्वेशन। तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी, एम जी एच, काइनेटिक क्या है, जीरो। यहाँ पे जब बॉडी आएगी तो पोटेंशियल क्या है, जीरो, काइनेटिक क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, स्क्वायर का कितना है, टू बाई फाइव। इक्वेट कर लो, एम से एम कैंसल, velocity of center of mass can be calculated, answer आ जाएगा। तो points समझ में आ रहे हैं, इनको equate किया है, m से m cancel हो गया, k square by r square 2 by 5 हो गया, solve करके velocity of center of mass। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है, जैसे इस question को एक बार देखें।
एन एनर्जी ऑफ 485 जूल इज स्पेंड इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील फ्रॉम 60 RPM टू 460 RPM. RPM क्या होती है? फ्रीक्वेंसी. तो ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी 60 RPM को RPS में कन्वर्ट कर लिया. ओमेगा 1 क्या होगा? 2.2 फ्रीक्वेंसी, जो कि इतने रेडियंस पर सेकेंड. न्यू 2 क्या है? 460 RPM को RPS में कन्वर्ट कर लिया. और ओमेगा 2 क्या होगा? 2.2 फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा आ गया. तो आपका ओमेगा बढ़ गया. कैसे बढ़ा? आपने एनर्जी स्पेंड की. आपको आए बताने बॉडी का क्या होगा. अब एक चीज़ समझें, आपको याद होगा वर्क पर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम की थी. क्या थी? अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी V1 से V2 हो गई तो आपने क्या किया होगा? वर्क डन किया होगा, तभी आपकी वेलोसिटी V1 से V2. तो कितना वर्क डन किया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो ये भी तो वही कह रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कि बॉडी की घूमने की एनर्जी बढ़ गई, घूमने की ओमेगा की वैल्यू बढ़ गई जब आपने एनर्जी स्पेंड की. तो कितनी एनर्जी स्पेंड की? इतनी एनर्जी स्पेंड की. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि खड़ी खड़ी बॉडी घूम रही है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग नहीं है इसमें, तो इनिशियल एनर्जी इतनी है, फाइनल इतनी है. और ऐसा इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि आपने एनर्जी को स्पेंड किया. कितना स्पेंड किया? 485. ओमेगा 2 आपको गिवन है, ओमेगा 1 आपको गिवन है. क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है? आई कैन बी कैलकुलेटेड आंसर. पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगेगी? मतलब वो नाम नहीं ले रहा लेकिन एक्चुअल में लग क्या रही है? वर्क एनर्जी थ्योरम ही लग रही है इसमें. तो रोटेशनल मोशन के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगेगी समझ में आ रहा है? इसको देखें, क्वेश्चन है, एक बॉडी है जिसका मास क्या है? एम है, और रेडियस क्या है? आर है. रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, रोल करती हुई चली है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, ऑब्वियस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी है, और इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ गई. और इंक्लाइन प्लेन पे कितनी हाइट पर चढ़ गई? इतनी हाइट पर चढ़ गई. देखो, चाहे बॉडी ऊपर से नीचे रोल करती हुई आए या नीचे से ऊपर आए, एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी. तो हम इसमें क्या करेंगे? इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक क्या रहेगा? एग्जैक्टली सेम. तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगी? एम जी एच. काइनेटिक क्या होगी? जीरो. यहां पर पोटेंशियल क्या होगी? जीरो. और काइनेटिक क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1+k² / r², क्योंकि बॉडी क्या कर रही थी? रोल. इक्वेशन तो वही है, ऊपर से नीचे लाओ या नीचे से ऊपर लाओ, इक्वेशन तो यही रहेगी. तो इन्हें मैंने क्या कर लिया? इक्वेट कर लिया, और एच की जगह ये पुट कर ली वैल्यू. हाइट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है. आपको ये बताना है कि बॉडी की शेप क्या है, ये बताओ. एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, एम से एम कैंसल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसल, सॉल्व करके k² / r² आ जाएगा, जो कि हाफ आ रहा है. अगर k² / r² हाफ है, इसका मतलब बॉडी का मोमेंट इनर्शिया हाफ mr² है. इसका मतलब या तो ये बॉडी डिस्क है या ये सॉलिड सिलेंडर है. आंसर आ गया हाफ mr², कुछ भी लिख देना सही है. मेथड समझ में आ रहा है एनर्जी कंजर्वेशन से, कैसे आई निकला, और आई की हेल्प, आई की k² / r² की हेल्प से हम कैसे बता सकते हैं कि बॉडी की शेप क्या है. क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक.